गोरखपुर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिला अस्पताल में अब ट्रामा सेंटर बनेगा। इसके लिए शासन की ओर से 1,20,00,000 रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं। अस्पताल के बगल में खाली पड़ी 9,000 वर्ग फीट जमीन पर ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ट्रामा सेंटर के भवन का मानचित्र भी स्वीकृत हो चुका है। आपको बता दें, शहर में ट्रामा सेंटर की सुविधा केवल BRD मेडिकल कॉलेज में है। सड़क दुर्घटना में घायल, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक सहित अन्य गंभीर बीमारी होने पर मरीजों को अब तक BRD मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर जाना पड़ता था। BRD में पहुंचने के लिए शहरवासियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि यह शहर से दूर है। इसकी वजह से कई मरीज रास्ते में भी दम तोड़ देते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर खुल जाने से आम आदमी को राहत मिलेगी। ट्रामा सेंटर में 6 बेड का वार्ड होगा। यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के अलावा ऑर्थो व सर्जरी के डॉक्टर, नर्स व पैरा मेडिकल स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेंगे, जिससे मरीज के पहुंचने पर तत्काल उनका ऑपरेशन शुरू हो सके। इसके लिए ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम व पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी। साथ ही 2 नर्सिंग स्टेशन व 1 रिकॉर्ड रूम भी बनाया जाएगा। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए केवल इमरजेंसी वार्ड है, जहां सामान्य मरीज ही देखे जाते हैं और उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। इमरजेंसी में ना तो ऑपरेशन थिएटर है और ना ही पैथोलॉजी। गंभीर मरीजों के आने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करना पड़ता है। इस संबंध में जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रामा सेंटर के लिए 1,20,00,000 रुपए का बजट शासन ने स्वीकृत कर दिया है। इसका मानचित्र भी बनकर तैयार है, शीघ्र ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ट्रामा सेंटर में 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती रहेगी, साथ ही एक्सरे, ऑपरेशन व पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, इमरजेंसी के बगल में मार्चोरी के पीछे जो जगह खाली कराई गई है, लगभग वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। बजट आवंटन हो गया है, कार्यदायी संस्था निश्चित होते ही कार्य शुरू हो जाएगा और इस ट्रॉमा सेंटर जो बनेगा लगभग 9,000 स्क्वायर फीट में बनना है। डबल स्टोरी का है, इसमें इमरजेंसी रूम, डॉक्टर्स रूम, वार्ड, माइनर OT, एक्सरे, पैथोलॉजी, सभी चीज़ की आकस्मिक सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध रहेंगी। जिससे कोई भी मरीज आता है ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में, तो उसको प्रत्येक सुविधा उसी बिल्डिंग में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे मरीज को भी सुविधा होगी तथा उसको देख रहे करते हुए चिकित्सक भी, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और मरीज को भी कई एक्सरे कराने के लिए डायग्नोस्टिक विंग में भेजना है या पैथोलॉजी कराने गाड़ी से भेजना है, ये सब चीज़ आवश्यकताएँ समाप्त हो जाएगी। सर कब तक ये शुरू हो जाएगा? कुछ जल्दी ही शुरू हो जाएगा। सर कितना धन स्वीकृत हुआ है? इतना मुझे भी पूर्णतः याद नहीं है, लेकिन संभवतः 1.2 करोड़।